अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट हमजा जावेद सब्जवारी अलिफ टीवी से। बड़ी ईद का मौका है, बड़ी खुशियों का मौका है और घर में छोटे बड़े हर किस्म का जानवर लाने का मौका है। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर की एक बड़ी मशहूर मंडी में, जहां पे लाहौर के हर कोने से फैमिलीज, लोग, बच्चे, छड़े छाट, हर कोई आया हुआ अपनी पसंद का जानवर लेने के लिए। तो अब हम मंडी के अंदर जाएंगे और लोगों से उनकी राय लेंगे, और जो खरीदने के लिए आए हैं उनकी राय लेंगे, जो बेचने के लिए आए हैं उनकी राय लेंगे और देखते हैं कि क्या हलचल हो रही है। तो आइए चलते हैं। की नाम है तड़ा? नाम अदास। कहाँ से आए हो? सात का बाद से। तो लाहौर क्यों आए हो? बकरे बेचने। तो वहाँ पे नहीं बिकता माल? वहाँ पर रेट नहीं देते। रेट नहीं देते? नहीं। क्यों, सस्ता देते हैं या देती नहीं है, क्या मसला है? थोड़ा देते हैं, 50 वाले का 30। तो किस चीज पे आए हो, किस पे लाए हो जानवर को? गाड़ी को, बस में। अच्छा, और कितना जानवर लेकर आए थे? 13। और कितने रह गए? रह गए 6। और तुम्हें क्या लगता है, पिछले साल से इस दफा लोगों ने ज्यादा पैसा खर्च किया है या तुम लोग ज्यादा पैसा मांग रहे हो, क्या वजह है? खर्चे ज्यादा हैं तो पैसा ज्यादा मांगेंगे, खरीद तो रहे हैं पर इतना नहीं खरीद रहे। तो ये तुमने खरीद के आगे बेच रहे हो या खुद पाले हैं? खरीद कर। खरीद के? जी जी। तो किससे खरीदे? उधर से खरीदे हैं, साथ का बाद में। तो कौन सी नस्ल के? ये बस दोगले हैं, रलो मिलो। दोगले? जी जी। क्यों, झूठ बोलते हैं? नहीं नहीं। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया यार। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कोई हमें खरीदार मिल जाए तो उसकी बार्गेनिंग देखते हैं, किस तरह बार्गेनिंग कर रहे हैं और क्या रेट चल रहा है, लोगों के क्या व्यूज हैं इस चीज के बारे में। मुझे लगता है यहाँ पे एक डील हो रही है, इसके अंदर घुस जाता है। सलाम अलैकुम जी। डील हो रही है इसकी? जी सर, डील होगी सर। डील हो गई भी है? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? खुर्रम सर। खुर्रम भाई, कौन से बकरे हैं और कितने की जोड़ी मिली, क्या मांगा इन्होंने? सर धुंधा है, ये कह रहे हैं 50 का देंगे। अब इतने से बकरे का 50 का तो नहीं, जोड़ी का नहीं कह रहे? जोड़ी का। अच्छा, हमने ये 40 में फाइनल की है। दो जोड़ियों का 50 होगा ना? दी, 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 दो जोड़ियों दी, का, दी, चार बकरों का? दी, दी, दी। अच्छा, तो क्या वजह है कि आपने यही बकरे पसंद किए हैं? बस सर अपनी रेंज के मुताबिक, देखिए जो खूबसूरत लगे वो रेंज के पॉकेट के मुताबिक। खूबसूरत जानवर तो हैं बेशक। आपको क्या लगता है कि इस साल पिछले साल से ज्यादा महंगे हैं, सस्ते नहीं हैं? सर वो बातें ही हैं, बस जो नसीब का होता है वो मिल जाता है, मतलब जितनी आपकी रेंज का होता है वो मिल जाता है, मतलब जो जेब में पैसे रख के निकलेंगे उसमें मिल जाएगा। मिल जाता है, आपने कुर्बानी करनी होती है कोई, वो मिल जाती है, नियत होनी चाहिए आपकी। लेकिन मोहल्ले में एक अंकल जरूर खड़े होते हैं, कहते हैं बेटा बड़ी आग लग गई है, एक अंकल डेफिनेटली अंकल जाएंगे, वो कहेंगे ये तो कुर्बानी लगती ही नहीं इसकी। हाँ, ऐसे अंकल हैं हमारे वाले है ना, और वो हर बात पे कहेंगे बेटा महंगा ले लिया। ऐसा ही है, वो कहेंगे यार ये तो बीमार है, ये तुमने कैसे ले लिया, इसके कुर्बानी नहीं है। अच्छा, इस चीज से याद आया कि लोग अक्सर कुर्बानी जो करते हैं ना वो दिखावे के लिए करते हैं, सुन्नत इब्राहिमी को फॉलो नहीं करते। ऐसा ही है, उसके बारे में साथ ही फेसबुक पे तस्वीर डाल देते हैं लेकर, जो गलत बात है, इसकी कुर्बानी नहीं होती, वो तो फिर नुमाइश में आ जाती है। मी एंड माय बकरा, जी जी, सेल्फियां डालते हैं। जी ऐसा ही है सर। चलें, ये हमारे भाई फिलिपाइन से आए हैं सिर्फ ईद कुर्बानी देखने के लिए ना, बकरा कुर्बानी। इनसे भी बात करते हैं, ये भी खुद मुझे व्लॉगर टाइप लग रहे हैं सर, वो मतलब का तारुफ दे रहे थे क्या फिलिपाइन से हैं। फिलिपाइन में रहता हूँ मगर हर साल ईद पर जो है वो पाकिस्तान आता हूँ। बोल जी बोल। और यहाँ मैं अपने भाई के साथ आया हूँ ये बकरे खरीदने, मगर पहले की नस्बत जो इस वक्त यहाँ है वो बहुत महंगे बकरे हैं। ठीक हो गया। और हर मुसलमान को ये कोशिश करनी चाहिए कि जितनी उसकी हैसियत है बस उसी हिसाब से ले, दिखावे में ना, दिखावे में नहीं होना चाहिए। दिखावे में तो अल्लाह भी आपकी कुर्बानी को कबूल नहीं करेगा। तो जब हम ये फिलिपाइन में कुर्बानी करते हैं तो वहाँ गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया होता है। अच्छा अच्छा, वो एक जगह मखसूस होती है जहाँ से आपने फिक्स रेट में बकरे लेने, स्लॉटर हाउस बने होते हैं। स्लॉटर हाउस बने होते हैं और वो मस्जिद ले जाके कुर्बानी की जाती है और उसी को पका के गोश्त जो है जो मुसलमान है उनमें सर्व किया जाता है। कोई घर में कुर्बानी करने की? अच्छा, वो नहीं है कि आप घर ले जाते घर हैं, से घर में ले जाने की इजाजत नहीं होती। वो क्यों, ये वजह क्या है कि वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए? सबसे पहले आप जब कुर्बानी के लिए बकरा लेते हैं तो वहाँ की जो हेल्थ है जो जानवरों की वो चेक करती है कि ये कुर्बानी के काबिल है, इसका मीट जो है वो ठीक है, लोग खा सकते हैं। फिर वो एक मखसूस जगह उन्होंने बनाई होती है जहाँ वो इस्लामिक तरीके से उसे की कुर्बानी कर सकते हैं, वो एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, तो वो जो कानून है उसके मुताबिक आपने सारा वहाँ। चले, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके खुशी हुई। आप अपनी व्लॉगिंग कंटिन्यू रखें। शुक्रिया खुर्रम भाई, थैंक यू। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात तो ये अंदाज़ा होती है कि जो भी आपकी नियत है, जितना भी आपका बजट है, उसके मुताबिक आपको आपका सामान मिल जाता है, आपको आपके पसंद का जानवर मिल जाता है। तो अब हम थोड़ा डीपर डाइव करेंगे मंडी के अंदर और देखेंगे अंदर क्या सूरत हाल है। आइए, मुझे
मुझे दूर से रंग बिरंगी चीज़ें नज़र आ गई थी, तो ये एक तरह से कह लें डिकोर के लिए होता है, जानवर सजाने के लिए होता है, उनकी डेकोरेशन के लिए होता है। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप खरीदने के लिए आए? हाँ जी जी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया खरीदना, 50,000 वाला 2,00,000 मांग रहे हैं, बेशरम हो गए हैं। ये इमरान खान की वजह से ये हालात हो गए हैं। बस शुक्र अल्लाह। हर कोई यहाँ पे अपनी राय पेश कर रहा है, कोई कह रहा है कि 50,000 वाला बकरा जो है 2,00,000 का मिल रहा है, 2,00,000 वाला बकरा 4,00,000 का मिल रहा है। समझ नहीं आता लोग बकरे लेने आए हैं गाड़ियाँ लेने आए हैं। तो लेकिन हर किसी की अपनी राय है और हर किसी की राय की अहमियत होती है। तो अब हम और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि बाकी लोगों की क्या राय है। आपने पसंद कर लिया, खरीद लिया? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या डिमांड की थी इन्होंने? 70 की थी। और आपने कितने का फाइनल किया? 55 का। तो आपने क्या चीज़ देखी कुर्बानी में, मतलब इस जानवर के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले तो इसके दो दांत देखे ना। ठीक है, यंग है थोड़ा सा। अच्छा, जब आप घर से लेके निकले थे अपना माइंड सेट, तो आपके माइंड में क्या था कि आपके इस बजट में मिल जाएगा? 50 से 55 मेरा बजट था, वो तो ढूंढना ही था ना फिर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि अक्सर लोग कुर्बानी के बाद ना, जो भी कुर्बानी के बाद वेस्ट जमा होता है, गन जमा होता है, उसको सही तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं करते। हाँ। तो आप उसके लिए क्या प्रिकॉशंस या एहतियाती तदाबीर करते हैं? मैं एसएच माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, नाइस। तो मैं उसके लिए ना प्रॉपर डिस्पोजल के लिए अपने पास शॉपिंग बैग रखता हूँ। सही। उसमें मैं सारे इसका वेस्ट बैग में डाल के फिर जो प्रॉपर डिस्पोजल पॉइंट है उसमें जाके मैं डंप कर देता हूँ। और फिर आगे फर्दर जो LWMC की जिम्मेदारी है कि वो उसको वैसे उठाते हैं कि नहीं उठाते, जितना हम लोग का है कि हम लोग उस पॉइंट तक जाके उसको रखते हैं। जमीन वो क्या कहते हैं, एक सिविलियन के तौर पे आप इतना कर सकते हैं। आगे फिर जो वेस्ट डिस्पोज प्रॉपर उन्होंने करना, वो तो आप LWMC का काम है ना। और खाल का आप क्या करते हैं? खाल में मस्जिद में दे रहा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि अक्सर लोग जो कुर्बानी करते हैं ना, वो दिखावे के लिए करते हैं कि वो शोएब साहब का बेटा जो है ना बड़े वाला, वो इतना बड़ा बकरा ले आया है, तो मुझे शोएब साहब के बकरे का से बड़ा बकरा लाना है। अब ये उनकी नियत पे डिपेंड करता है ना कि कुर्बानी किस लिए कर रहे हैं। हाँ। आप अल्लाह की रजा के लिए करें, वो कबूल भी करेंगे। चले, आपका कोई लास्ट मैसेज लोगों के लिए जो मंडी आ रहे हैं इस वक्त आना चाहते हैं? लास्ट मैसेज तो ये है कि आप अल्लाह की रजा के लिए करें, दिखावे के लिए ना करें। चले, थैंक यू सो मच। इसके साथ कौन सी जोड़ी है? ये वाली। कहाँ के देसी हैं? कौन से हैं? देसी हैं। कहाँ से लेकर आए? भावलपुर से। पीछे से उठाए हैं या खुद के पाले में? खुद के पाले में। तो इनको क्या खिलाते हो, क्या पिलाते हो? लोग कहते हैं बेसन वाला पानी पिला देते हैं मोटा करने के लिए। नहीं नहीं, या इनमें गोश्त नहीं होता? ये सादा पानी पीते हैं। और खुराक क्या खाते हैं? खुराक गंदम। गंदम। तो इसके साथ ये वाली जोड़ी है, कितने मांग रहे हो? 1,40,000। यार देने वाली बात कर। कोई बात नहीं, बिक जाएंगे, बिक भी गए। कितना माल लाए थे? 10 थे। कितने? 10। 10 दाना जी। और कितना बिक चुका है? 5 बिक चुके। यार देने वाली बात कर, कोई डील कर। ये शो के लिए नहीं, मुझे अपने घर के लिए भी लेके जाना है, इसलिए उस वक्त से मुझे भाई वगैरह की कॉलें आ रही हैं कि शो तुम करते रहना, पहले घर के बकरे तो ले आओ। तो ये दोनों जोड़ियों का कर लो कोई मुनासिब सा। आप बता दो फिर। यार 1,40 तो बहुत ज़्यादा है, तूने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी बात करने की। चलो 1,30 ले दो। 1,30 भाई का मुझे नहीं लग रहा मूड बेचने का, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह समझ आती तो आपके पास आते हैं। क्या मांग रही है जोड़ी का? ये तो अभी 55 का है इन्होंने। एक का 55 का है। जोड़ी और जब जोड़ी की है तो 125 पे चला गया वो। मैंने 70 का है, दोनों के दे दें। आप देखिए कितने अंकल है। सही का है 70। आपको ये लगता है क्या होना चाहिए? अंकल उसे 40,000 रुपए दे दो। हां जी, मैंने 35 का कहा है। 40 कर दो उसे। चलो उसने फिर 5 बढ़ा दिए। 40 में दे दो। देने वाली गल करो भाई। अब थर्ड आदमी ने कह दिया 140 दे दो, आप भी मान जाओ ना। चलो जी, मुबारक है, मुबारक है, मुबारक हो। अलिफ टीवी ने लाइव डील करा दी है सर का। सर जी बाबा मुबारक हो। जब तुम घर से निकले थे तो तुमने क्या सोचा था, कोई खास टाइप का बकरा लोगे, क्या करोगे? बस लेने की, मैं तो कल कह रहा था फिर आ जाओगे। नहीं, कोई इस तरह का नहीं बकरा था कि कोई रॉक स्टार हो, थोड़ा कूल सा हो। क्या मैंने उसके साथ कौन था यूट्यूब चैनल में? मुझे क्या पता तुम घर जाके टिकटॉक बना रहे हो उसके साथ, यूट्यूब पे चैनल पे क्या कहते वीडियोस डाल रहे हो। नहीं, मैं कहा था अच्छा बकरा हो तो बंदा ले। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। गाय वेड़े जो भी, किसी की लात पड़ गई तो आप ईद से पहले उठेंगे नहीं। आप जोड़ी लेने आए हैं, क्या लेने आए? बकरा लेने आए, एक एक ही। तो क्या माइंडसेट लेकर आए, कितने का लेना है या क्या उसके आपके दिमाग में है, क्या बजट?
बजट तो है 40,000 का। और क्या मांग रहे हैं, कौन सा पसंद आया आपको इसमें सर? क्या 50,000 मांग रहे हैं? इतने 50,000 यार डील, अभी हमने 4-5 डीलें करा दी कैमरे के ऊपर ही। अच्छा पसंद है, करवा दें डील। वो अब उनको पैसे बता बैठे ना कितने जेब में है। तो कितने हैं? अच्छा हाँ पहले मुझे बता दिए। हाँ मसला ये है, तो मालिक पहले स्कीम नहीं बतानी होती, आखिर में बतानी होती है। अच्छा तो एक बकरा लेने निकले हैं। हाँ जी। अच्छा आपको क्या लगता है पिछले साल से इस दफ़ा थोड़ी कीमतों में इजाफा है या थोड़ी नहीं, ज़्यादा इजाफा है, बहुत ज़्यादा है। हाँ। अच्छा मुझे कुछ लोग मिले वो कह रहे हैं कि ईद के बाद ये जो हब्स हो गया है, गर्मी हो गई है, उसकी वजह से थोड़ी कीमतें नीचे आई हैं, इसमें कोई सच्चाई है या नहीं? नहीं नहीं, ये बस ऐसी बात है, कल बारिश हो गई है, वो मौसम बराबर हो गया। कितने कह रहे हो? 36,000। किसका? वो कितने मांग रहा है? ओए नहीं तेनू किराया तू यार, 36 सही कह रहा है, किराया तू देना है, 36 सही कह रहा है, 7,000 रुपए मांग किराया। तो एक ही बंदे से निकालना है यार, एक बंदे को नहीं कटना, आखिर थोड़ा थोड़ा सारे को कटांगे ना। चल 36 बिस्मिल्लाह कर यार, 36 ओ भाई कर ले यार, कुछ नहीं होता, कर रहे सही, मुनासिब कह रहा है यार। नहीं भाई नहीं देना। कहाँ से बकरे लेकर आयो? जिलारी मियार खान से। वो किधर है? वो यहाँ से बहुत दूर है। तो लाहौर ही क्यों लेकर आया, वहाँ पे नहीं बिकता? लाहौर तुम्हारे लिए लेके आते हैं ना। वाह भाई वाह। और कितना माल लेकर आए? लोगों से मोहब्बत है लेकिन तुम्हें हमसे नहीं है। नहीं नहीं है, तुम मोहब्बत करने वाली बातें नहीं करते। वाली बातें तो करते हैं, धूप में खड़े हुए हैं। तो मैं भी तुम्हारे लिए धूप में आया हूँ। ये तो तुम अपने चैनल के लिए आयो। नहीं नहीं मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम बात कर रहे हो चैनल के लिए। तो ये कौन सी नस्ल के हैं? ये भाई देसी हैं। देसी हैं। हाँ जी। कितना माल लेकर आए थे? यहाँ लेकर आए थे 130 बकरा। और कितना रह गए? बस अभी 20-22 बकरे हैं। भाई जन लास्ट ईयर से इस वक्त जो है ना बहुत सूरत हाल खराब है। रात को मैं एक बच्चा लेके गया हूँ 140 का, जो कि पिछले 1,00,000 रुपए से ऊपर। एक भाई हैं जो बड़ा खूबसूरत सा जानवर लेके खड़े हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कहाँ से लेकर आए हैं? जिला व्याड़ी से। तो लाहौर ही क्यों लाए हैं, वहाँ पे नहीं कोई खरीदो फरोख्त होती? यहाँ पे अच्छे दाम में बिक जाता है, इसलिए। कितना माल लेकर आए थे? 19। 19 कितने रह गए? अब 5 रह गए। 5 माशाल्लाह, बाकी सारे बिक गए? सब बिक गए। तो आपको क्या लगता है कि पिछले साल से इस दफा कीमतें वधी हैं या कट हुई हैं, क्या बना है? वधी हैं, कट नहीं हुई। तो जो आप सामान लेकर आए हो तो पेट्रोल शेट्रोल ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होता है उसमें भी इजाफा हुआ है? हाँ जी इजाफा हुआ है। तो रस्ते में किसी ने आपसे कोई ज्यादा पैसे लिए हो? नहीं नहीं जी, नहीं किसी ने, कोई दुश्वारी नहीं आई? नहीं जी नहीं। और यहाँ पे आप कब आते हो अपना जानवर लेके और कब वापस लेके जाते हो? ईद के सिलसिले में आते हैं और ईद खत्म। कितने दिन रहते हो यहाँ पे? यहाँ पे 10-15 दिन रहते हो। यहीं पे रिहाइश होती है सारी? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा लोगों का क्या है, इस वक्त लोग ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं? हाँ या पिछले साल से कम है? नहीं जी अब ज्यादा खरीदारी कर रहे ज्यादा खरीदारी हाँ कर रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि इस महंगाई के दौर में लोगों का जो जोश है, हाँ जो जज्बा है, वो कम नहीं हुआ? नहीं जी नहीं, वो कम नहीं हुआ। अच्छा मजे की बात ये कि महंगाई हुई, गर्मी है या व्हाटसोएवर जो भी फैक्टर्स हैं, लोगों के जज्बे में या लोगों का जो होता है सारा कुर्बानी के लिए, उसमें किसी भी किस्म की कमी नहीं आई। तो अभी देखते हैं कि बाकी लोगों की क्या इस पे राय है और बात करते हैं सबसे। क्या नाम है आपका? इधर तो आओ, तो मुस्कुरा क्यों रहे? तलहा। तलहा आपका? हसन। अच्छा तलहा और हसन, आप लोग जब घर से सुबह निकले थे जानवर लेने के लिए? वालेकुम अस्सलाम। भाई जान सुबह घर से निकले और ये कोई 8वीं टर्म के ऊपर जो है ना काम हुआ है। अच्छा एक तो ये इंतजामिया का देख लीजिए आप, हाल क्या हुआ है। बेचारे व्यापारी बड़े परेशान हैं, बारिश की वजह से हुआ। बारिश की वजह से परेशान है, सहूलते नहीं है। अब दूसरा ये है कि ये सुबह से हम आए हुए, ये फिर के ये 1.80 और 1.60 का जानवर हुआ है। अच्छा तो आपका माइंड में क्या बजट क्या था, उससे बढ़कर आया उससे कम आया? हमने अपने बजट के अंदर ही लिए, लेकिन बजट का यहाँ सीन इसलिए कोई नहीं है कि आप अगर 150 का बजट लेके चलते हैं ना तो 10-15 आपको डालना ही पड़ेगा, और जो अगर आप उससे नीचे आते हैं वो आपको समझ नहीं आएगा। लास्ट ईयर से महंगा ही है जी, अभी मार्केट में काग नहीं है, लेकिन अभी ये इंतजार कर रहे हैं, मेरा ख्याल है आज का और गाग नहीं है। मैं बताऊं ये बस जिसने लेने अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए वो तो लेगा। अच्छा आपने अल्लाह की राह का जिक्र किया तो मैं इसका सवाल था कि कुर्बानी के बाद जो इसका वेस्ट जमा हो जाता है, जो गंद जमा हो जाता जी है, लोग अक्सर जमीन पे फेंक देते हैं, सड़कों में फेंक देते हैं। नहीं ये तो जुल्म है, ये ज्यादती है, इसकी हर चीज़ मुकदम है और हर चीज़ जो है ना वो वेस्ट नहीं इस तरह करनी चाहिए। अब जैसे हम बैरिया टाउन से आए तो वहाँ पर एक प्रॉपर बड़ी अच्छी सहूलत दी हुई है हमें सोसाइटी ने, वो शॉपर्स हमें बड़े देते हैं, कोई चीज़ हम सड़क पर नहीं फेंकते, वो हम इकट्ठा करके उसमें आंतड़ियाँ वगैरह डाल के एक साइड पे रख देते हैं, उनकी आती है अपना गाड़ी और वो बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन रखती है। ठीक है तो बैरिया टाउन में इस मामले में बहुत बेहतरीन इंतजाम है,
आपको कहीं सड़क पे कहीं प्लाट में कोई आजाइश वगैरह नहीं मिलेगी। इस मामले में बहुत बेहतर। अच्छा, आजकल के दौर में ना लोग अपने बच्चों को जी नहीं बताते कि सुन्नत इब्राहिमी क्या है या उसका जो असल मकसद है, उसकी जो नियत है वो क्या है। तो आपने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे पता है आपने जरूर बताया होगा, लेकिन आपने अपने बच्चों को बताया कि सुन्नत इब्राहिमी असल है क्या, कुर्बानी का मकसद क्या होता है? जी जी, मैंने, ये बेटे हैं मेरे, सही, इनको मैंने एक तो सबसे पहली बात ये की है कि बेटा जब भी आप कुर्बानी करें उसमें दिखावा ना हो। दिखावा अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरा, जो आपकी कमाई है वो रिस्क हलाल पे मुश्तमिल हो। ये दो चीज़ें होंगी तो आपकी कुर्बानी कबूल होगी अल्लाह की राह में। और तीसरी चीज़ ये है कि कुर्बानी का मकसद आप समझें कि ये जानवर को ज़िबा करना नहीं होता, ये अपनी नफ्सियात को और अपनी फजूल किस्म की ख्वाहिशात पे भी छुरी फेरनी है हमने इस दिन, और अपने से नीचे वालों को, गरीबों को भी इसमें जो है ना वो शामिल रखना है। और ये नहीं करना कि फ्रिजें अपनी भर लें आप, ये जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम करें गोश्त, ताकि गरीब अवाम, हम तो सारा साल अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं, तो ये जो अपने से नीचे है उनका हक है, उनको खूब दें आप। 3 दिन कुर्बानी करें, रिस्क हलाल और दिखावा ना हो। सही, तो ये हम अपने बच्चों को नसीहत करते हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जब ये इस काबिल होंगे तो ये इसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। अब बच्चों से ही बात कर, तलहा कौन था? ये तलहा, ये मेरे भतीजे हैं, ये मेरा बेटा है मोहम्मद हसन। तो आप दोनों जब सुबह निकले थे तो माइंड में कोई था कोई इस तरह का गाय लानी है, बकरा लाना है, इस वेट का, हाइट का, क्या था माइंड में? माइंड में था कि एक अच्छी खूबसूरत गाय लेनी है अपने बजट के अंदर रह के, और अल्लाह का शुक्र है वो हमें मिल गई है। कलर था माइंड में? नहीं, कलर नहीं, वो तो जो भी मिल जाए। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने अपने बाबा को तंग नहीं किया कि कल ईद है और आज बकरा लेने जा रहे हैं, गाय लेने जा रहे हैं, मुझे तो हफ्ता पहले लाना था? नहीं, वो हमने बकरों का कहा था तो बकरे उन्होंने दिलवा दी हफ्ता पहले। अच्छा, अब गाय का रखने का मसला होता है, जगह नहीं है हमारे पास इतनी कोई अच्छी, तो इसलिए बस 1-2 दिन पहले लेते हैं। और मोहल्ले में क्या शोर जोर है, बच्चे लेके फिर रहे होंगे, सजा रहे होंगे? हाँ जी, कोई बकरे लेके घूम, कोई मेहंदी लगा रहा है, कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई सेल्फियां खींच रहा है, बस यही है। तो फेसबुक भर दिया अपना बकरों की तस्वीरों से? नहीं नहीं, दिखावा नहीं करना। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, चले, थैंक यू सो मच। मुझे दूर से नजर आया कि इतनी मंडी के अंदर खूबसूरत चीज़ें लगी हुई है, रंग बिरंगी जी, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो डेकोरेशन का सामान है, सजावट का सामान है, जो बच्चे लगाते हैं जानवरों पे, क्या इसकी इतनी सेल हो रही है, इतना सामान बिक रहा है? नहीं सर, इतना तो सेल ये नहीं हो रहा, तकरीबन ये पीछे से हमें महंगी मिल रही है, कस्टमर इतनी अफोर्ड नहीं कर रहा, क्योंकि ये पिछले साल जो रेट था अब अप हुआ है, क्योंकि हर चीज़ डबल हुई हुई है, लेकिन कस्टमर इस चीज़ को नहीं मान रहा, क्योंकि वो पिछले साल के रेट लगा रहा है कि जो पिछले साल का रेट है वही चीज़ का इस साल जो है, इतनी खरीद मतलब आपका सामान नहीं बिका? नहीं, ये आपके सामने लगा हुआ है, अभी इतना सामान नहीं बिका, ये तकरीबन काफ़ी कॉस्ट का पड़ा हुआ है मेरे पास, लेकिन फिलहाल। अच्छा, छोटा हुआ जो है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद करते हैं इस सारे सजावट में, कौन सी पसंद करते हैं? वो सर स्पेशली वो गानी होगी बकरे की, ये जो गले में डालते हैं, जंजरे हैं जो बकरे पाँव में डालते हैं, सही, वो स्पेशली वो लाइक करते हैं। और आपका लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं? बेसिकली मैं लाहौर का हूँ, लेकिन पीछे गांव जो है वो फरुखाबाद शोपुर से आ गए। जैसे कि आपने अभी देखा, हमने लोगों से बात की, बच्चों से, फैमिली से, बुज़ुर्गों से, और सबकी राय जानी जानवरों के बारे में, मंडी के बारे में, और हमने उनसे पूछा सुन्नत इब्राहिमी के बारे में और कैसे वो अपनी वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं कुर्बानी के बाद, और जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जितने भी फैक्टर्स होते हैं कुर्बानी से रिलेटेड, उस पर हमने बात की। तो अच्छा, एक बात तो मानने वाली है, चाहे महंगाई हो या ना हो, कोई भी ईयर हो, 2023 हो, 2022 हो, कोई भी फैक्टर पाकिस्तानियों के जज्बे में, ख़ास तौर पर लाहौरियों के जज्बे में, किसी भी किस्म की कमी नहीं ला सकता। आखिर में बस मैं मांगूंगा आप लोगों से इजाज़त, और अलिफ़ टीवी की जानिब से और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।